एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग रियली रियली ग्रेट। आई एम आल्सो गुड एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग हाउ माय इंटरमीडिएट ग्रुप वन नवंबर 23 एग्जाम्स गो। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो आई वेंट फॉर ग्रुप वन ओनली एंड नॉट द ग्रुप टू एक्चुअली। एंड ग्रुप वन के एग्जाम्स कल ही खत्म हुए हैं। आई एम शूटिंग इट टुडे, टुडे इज 9th of November और ये वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी, यानी कि यू विल बी एबल टू सी दिस ऑन 10th। आज एडिट वगैरह करके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेपर, दैट इज़ ऑफ अकाउंट्स। ओके, May 23 में मेरे अकाउंट्स में आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट मार्क्स, बट आई कैन से एज कम्पेयर टू May 23, November 23 का पेपर उस वाले से अच्छा गया। लाइक आई मे एक्सपेक्ट एन एग्जेम्पशन, आई मे एक्सपेक्ट एन एग्जेम्पशन इन दिस, बिकॉज ये अच्छा गया था। क्वेश्चंस गलत हुए हैं, सिली मिस्टेक्स हुई हैं जो घर आके पता लगी, एंड आई वॉज लाइक सो हर्ट कि क्या करके आ गई है मैं। बट स्टिल अकाउंट्स पेपर वॉज गुड एज कम्पेयर टू मे वाला, अकाउंट्स अच्छा गया था। देन इज पेपर नंबर 2, कॉरपोरेट एंड अदर लॉज। ये पेपर का सोच के मेरे को बुरा लगने लग जाता है, बिकॉज लॉ वॉज समथिंग दैट आई यूज टू इन्जॉय, बट आई डोंट नो दिस टाइम ऐसा क्या हुआ, या तो अकाउंट्स कॉस्ट और मैंने टैक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गई, कि जो मेरे को 1.5 डे भी मिला था ना लॉ के लिए, मेरे से वो भी यूटिलाइज नहीं हुआ। पता नहीं क्यों पढ़ा ही नहीं जाता था, ऐसे लगता था कि बस सर के ऊपर से जा रहा है जो जो रिवाइज कर रही हूँ, बिकॉज वो सिलेबस की इतनी टेंशन होती थी। बट स्टिल एग्ज़ाम वॉज लाइक ठीक था, मतलब बहुत अच्छा नहीं गया और बहुत बुरा नहीं गया, इट वॉज लाइक ठीक है। बट जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी ना लॉ से, वो उतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल आई विल पास इन लॉ। MCQs मेरे अच्छे हुए कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू डिस्क्रिप्टिव पार्ट। पता नहीं मेरा सबसे उल्टा क्यों है, पीपल सेड कि MCQs उनके मुश्किल हुए, मेरे MCQs ठीक हुए, बट मेरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट थोड़ा सा अजीब हुआ, स्पेशली कंपनी लॉ, अदर लॉ तो अच्छी थी। सो या कमिंग ऑन टू पेपर नंबर 3, कॉस्ट, जिसका पेपर May 23 में इतना बेकार आया था दैट आई टच .40 इन माई लास्ट अटैम्प्ट। बट दिस टाइम कॉस्ट का पेपर वॉज गुड, लाइक आई अटैम्प्टेड बट पूरा अटैम्प्ट नहीं हो पाया, बिकॉज वो बहुत लेंथी था यार। मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन ना उन्होंने 5 नंबर में डाल रखा था, लाइक लिटरली जब मैं वो लिख रही थी ना, आई वॉज लाइक ये 5 नंबर के लिए है, जिस वजह से मेरा थोड़ा सा छूट गया। बट आई ट्राइड टू अटैम्प्ट बाकी का सारा, जिसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आई एम श्योर कि हाँ इसमें तो मार्क्स आ जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक हुआ है। एंड देयर आर सम जिसमें पूरा ठीक नहीं हुआ, बट आई स्टिल मेड वर्किंग नोट्स, मुझे जितना आता था। लाइक 0 लाने से अच्छा है क्वेश्चन में, इट्स बेटर द एग्जामिनर गिव्स यू 2 or 3 marks, एंड दोस्त 2 or 3 marks मैटर मच फॉर एग्रीगेट, एंड मेरे केस में तो प्लीज़। मेरा पिछली बार कुछ नंबर की वजह से एग्रीगेट रह गया था, तो ये जो 2-3 नंबर हैं ये बहुत मायने रखते हैं। सो कॉस्ट का पेपर वॉज ओवरऑल ओके, लेंदी थोड़ा छूट गया, बट एनी वेज ठीक था, बेटर देन लॉ। ओके, पेपर नंबर 4, टैक्स। टैक्स का पेपर May 23 में बहुत ईजी आया था, तो मुझको लग रहा था यार इस बार बहुत हार्ड आएगा। हार्ड नहीं आया, मॉडरेट आया था, मतलब DT का तो देखो हार्ड ही लगता है, जब मर्जी पेपर देख लो। GST का ठीक था, लाइक टैक्स का पेपर वेंट ओके, मतलब MCQs वर क्वाइट ट्रिकी, स्पेशली DT वगैरह वाले, बिकॉज इस बार सारे MCQ उन्होंने ऑलमोस्ट 2-2 नंबर के पूछे थे, एक एक नंबर का कोई आई थिंक एक आधा ही होगा, बिकॉज 16 MCQ आए थे टोटल फॉर 30 marks, जिसमें से आधे से ज़्यादा आई डोंट नो 12-13 वर ओनली ऑफ 2-2 marks एंड द लेफ्ट ओवर वॉज फॉर 1 mark। तो MCQs वर क्वाइट ट्रिकी, मतलब उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग में MCQs ही किए थे, बिकॉज एंड में ना हड़बड़ी में हम MCQs पढ़ नहीं पाते और कुछ भी मार्क कर देते हैं। उसके बाद GST का पोर्शन वॉज कंपैरेटिवली ईजी एंड गुड, GST हो गया था। DT में वही एक TDS TCS वाला क्वेश्चन था जो मैं चैप्टर ही नहीं करके गई थी, और उसमें से उन्होंने आई थिंक 6-7 नंबर का पूछ लिया था, और एक जो टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है वो तो ऐसे होता है 90% बच्चे लीव दैट क्वेश्चन विद वर्किंग नोट्स, एंड द सेम इज़ वॉट आई डिड। तो टैक्स का पेपर वॉज ओके, बट थोड़ा DT वाला पोर्शन वॉज लाइक ओके। सो ओवरऑल अकाउंट्स का पेपर वॉज गुड, अच्छा हुआ था। लॉ का पेपर वॉज ठीक ठाक, नॉट अप टू द मार्क। कॉस्टिंग का पेपर वॉज ओके, बट थोड़ा सा छूट गया था। टैक्स के पेपर में GST वॉज ठीक है, अच्छा आया था। DT वॉज लाइक एज यूजुअल डिफिकल्ट, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैंने अपना 100% किया, आई वुड से मैंने अपना 200% दिया है, एंड लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। एंड जनवरी में आना ना रिजल्ट, तो आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट यू नो ग्रुप 2 एग्जाम्स, कोई एक आधा सब्जेक्ट स्टार्ट करके इन अ फ्यू डेज, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम सब ने बहुत मेहनत की है, वी विल श्योरली पास, और जो भी रिजल्ट होगा वी विल एक्सेप्ट दैट एंड मूव अहेड। सो ओके, बाय।